तो दोस्तों हमने ज्ञान सेक्शन पे कम्युनिटी पोस्ट के रिगार्डिंग हमने कुछ पोस्ट डाली थी और उसमें एक्सेल से रिलेटेड ही सवाल पूछे थे, जैसे हु इज़ द फादर ऑफ एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल में 2013 और 16 में कितने रो और कॉलम होते हैं, एम एस एक्सेल 2003 में कितने रो और कॉलम होते हैं। तो ये आपके सामने है, लोगों ने सवाल के जवाब तो दे दिए हैं और कुछ लोगों ने गलत भी जवाब दिए हैं, तो इसी के सही जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। टॉप 10 एक्सेल एमसीक्यूज में हमारा पहला सवाल है, एम एस एक्सेल 2003 में कितनी रो और कॉलम होते हैं। ऑप्शंस ए रहे और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रो होते हैं 65536 और कॉलम होते हैं 256। अब चलते हैं सवाल नंबर दो की तरफ, एम एस एक्सेल 2007 में कितने रो और कॉलम होते हैं। ऑप्शन ए रहे और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रो होते हैं 1048576 और कॉलम आते हैं 16384। अब चलते हैं सवाल नंबर तीन की तरफ, रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन ए रहे, माउस पॉइंटर, वर्कशीट, मैक्रो, उपरोक्त सभी, और इसका सही जवाब है वर्कशीट, रो और कॉलम से वर्कशीट ही बनती है। अब चलते हैं सवाल नंबर चार की तरफ, एम एस एक्सेल में किसी हेडर या फूटर में कितने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए रहे और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 255। अब चलते हैं सवाल नंबर पाँच की तरफ, वीलुकअप फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए रहे, किसी डेटाबेस में टेक्स्ट रिकॉर्ड को नंबर बनाने के लिए। ऑप्शन बी, किसी डेटाबेस में रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी, किसी डेटाबेस में रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए। ऑप्शन डी, एक बड़ी डेटाबेस से संबंधित रिकॉर्ड या स्पेसिफिक वैल्यू को ढूंढता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब चलते हैं सवाल नंबर छः की तरफ, एम एस एक्सेल में कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ये रहे और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, F11, जो कि शॉर्टकट है, एम एस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं सवाल नंबर सात की तरफ, हु इज़ द फादर ऑफ एक्सेल। ऑप्शन ए, चार्ल्स सिमोनई। ऑप्शन बी, चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, नन ऑफ द अबव, और इसका सही जवाब है चार्ल्स सिमोनई, ऑप्शन ए। उसके बाद में चलते हैं सवाल नंबर आठ की तरफ, एक्सेल में किस फार्मूला या फंक्शन के द्वारा कॉलम का डेटा रो में और रो का डेटा कॉलम में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए रहे और इसका सही जवाब है ट्रांसपोज, ये एक फंक्शन है जिससे हम रो का डेटा कॉलम में और कॉलम का डेटा रो में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में ट्रांसपोज विकल्प कहाँ मौजूद होता है, इसके जवाब ए रहे, फार्मूला, इंसर्ट, पेस्ट स्पेशल, रिव्यू, और इसका सही जवाब है पेस्ट स्पेशल। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 में, एम एस एक्सेल में एम एस का क्या मतलब है, व्हाट डू मीन्स इन एम एस एक्सेल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, सही जवाब हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, अगले आने वाली वीडियो में बताएंगे, आप ही इसका सही जवाब बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।